नमस्कार, कंपोस्ट कल्चर या खाद संस्कृति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप पीछे मेरा ये देख रहे होंगे, छत बना हुआ है और एक बेड भी लगा हुआ है, दो बेड खाली है। तो ये पिछले एक महीना में हम लोग इसी पर काम पर हम लोग जोर दे कर रखे थे कि जल्द से जल्द हमको खाद बनाने के लिए एक जगह और धूप और बारिश से बचने के लिए चाहिए। तो आप देख सकते हैं, ये मैं और मेरा एक साथी दोनों मिलकर और अपना ज्ञान से इसको तैयार किया गया है। जो भी देखता है सबको आश्चर्य में है कि एक शहरी लड़का कैसे ये तैयार कर लिया, वो भी बांस को काट कूट के ये लगा के। बहुत कोई आया था हमसे बोलने के लिए ये सक्सेस नहीं होगा, ये होगा वो होगा। और अभी एक आंधी मैंने क्या बोले एक बरसात निकल चुका है, अब बहुत अच्छा तरह से ये काम किया है। तो खुश हूँ मैं, और मैं ऊपर वालों को भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस तरह का ज्ञान दिया और मैं कर पाया। अब आपको जो मैं दिखाना जा रहा हूँ पत्तों की खाद, तो ये देखिए ये वर्मी कंपोस्ट का बेड है और यहाँ पर मैं पत्तों की खाद बना रहा हूँ। तो इतना मैं भर चुका हूँ, अभी और भराएगा तो उसको मैं झाँक कर रखा हूँ। तो मैं कहीं से खोल कर आपको दिखाता हूँ कहाँ से मैं हटाऊँ। चलो यहाँ से मैं हटाता हूँ। तो ये बोरा इसलिए मैं देख रखा हूँ कि इसको हवा भी मिलते रहे और ऊपर से हम जो छिड़के तो वो पानी इसमें जाते रहे, तो इसलिए हम यहाँ पर है। तो यहाँ देखिए ये पत्ता है, तो ये लगभग ये और कम से कम एक फीट और इसमें भराएगा पूरा पत्ता, तब जाकर ये सही ढंग से ये बनेगा। और इसको मैं समय समय पर पानी से छिड़कते रहूँगा। तो ये लगभग आप लोग पूछिएगा ये लगभग कितना दिनों में बनेगा, सिंपल सी बात है सबका मन में यही सवाल आता है। तो इस विधि से मैं चलूं तो ये ऐसे तो ये सड़ चुका है, काफ़ी हद तक सड़ा हुआ है, और कुछ नहीं सड़ा है तो वो भी सड़ जाएगा। तो आप तो देख ही चुके हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर पत्तों की खाद बनाते हैं। और इसके ऊपर अभी शाम होगा तो उसमें फिर पानी का छिड़काव कर देंगे कि इसको भिंगा देंगे, और फिर ये लगभग दिसंबर महीने तक बन जाना चाहिए। अभी भी मेरे पास पत्तों की खाद मौजूद है, जिन्हें भी चाहिए वो हमसे ले सकते हैं। और आज हमें फिर से ऑर्डर मिला है राजस्थान से, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें ऑर्डर देने के लिए। आप लोग वीडियो देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत खुशी होता है, और इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए। तो जय हिंद जय भारत।